हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 16th of January 2021। शुरू करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज अगर आपको लेनी है तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट temsis.com और वहां पर आपको PT 365 यूपीएससी रिवीजन सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा CSAT कोर्स भी हमने स्टार्ट किया, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर, ठीक है ना। तो अभी तक दो वीडियोस में ज्योग्राफी एनवायरमेंट के अपलोड हुए हैं, प्लस आज वीकली क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे, है ना। तो यू कैन join if you want the thorough preparation of your current affairs part. Let's start with the questions first. Questions जिनके answer आपको करने हैं। पहला सवाल है, consider the following statements regarding the National Board for Wildlife. National Board for Wildlife के regarding statements दिए हैं, आपको बताना है कौन सा statement सही है कौन सा गलत। पहला statement कह रहा है, it is a statutory body constituted under the Wildlife Protection Act of 1972. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द NBWL इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओशियन कमीशन। इंडियन ओशियन कमीशन की मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे तीन लिस्ट दी है, मॉरिशियस, सेशल्स या मालदीव्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज इंडियन ओशियन कमीशन की मेंबर है, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 1986। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है QCI provides financial assistance directly to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. तो directly Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises को देता है, ऐसा आपको बताना है कौन सा सही है, one only, two only, both या none. तो these are the three questions for you today. I hope you will attempt the answers of these questions. End में मैं answers आपको बता दूंगा video के end में, ठीक है ना। कुछ हम न्यूज आइटम्स की तरफ मूव करते हैं। पहली न्यूज है, इंडिया डेवलप इट्स फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल। तो 9mm मशीन पिस्टल इंडिया ने पहली इंडिजिनस डेवलप कर ली है। 9mm मशीन पिस्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया इंडिजिनसली और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप की है, कंट्री की पहली इंडिजिनस मशीन पिस्टल ASMI। इसका नाम है ASMI, अस्मिया ASMI। अब ASMI क्या है, उसका फुल फॉर्म भी है, ओके। तो याद रखिएगा, ASMI इसको बोला जाता है, इसका मतलब है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्डवर्क, ओके। ASMI जो है वो है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्डवर्क, ASMI याद रखिएगा, ओके, ASMI। एंड इट इज 9mm मशीन पिस्टल जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO एंड इंडियन आर्मी। DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर के डेवलप किया है इसको। ASMI का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्डवर्क। रेंज जो है इसकी 9mm पिस्टल की वो है 100 meters, तो काफ़ी ज़्यादा रेंज है, ओके। तो मशीन पिस्टल कैन फायर एट अ रेंज ऑफ 100 meters एंड इन द क्लास ऑफ यूजी सीरीज गन ऑफ इसराइल। तो यूजी सीरीज गन ऑफ इसराइल जो है उस क्लास की ये पिस्टल है, ओके। एक्चुअली तो याद रखिएगा, गन्स यूज नहीं किया जाता वैसे वर्ड, ये यहाँ पे थोड़ा लिबरल टर्म्स में यूज कर लेते हैं, बट देर इज अ बिल्कुल डिफरेंशिएशन रहता है गन का। गन किसको बोलेंगे, जैसे राइफल को आप गन नहीं बोल दोगे, है ना। गन किसको बोलेंगे, पिस्टल किसको बोलेंगे, रिवॉल्वर किसको बोलेंगे, एवरीथिंग इज डिफरेंट, है ना। जैसे ही आप इंटर करेंगे सर्विसेज में तो आपको पूरी चीजें पता चल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अगली जो चीज है दूसरी वो है, हेनले एंड पार्टनर्स हैज रिलीज्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2021। तो हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है 2021 के लिए। अब एक्चुअली ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, ये बताता है बेसिकली ग्लोबल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ट्रेवल फ्रीडम फॉर देयर सिटीजन्स। ट्रेवल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स के बेसिस पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है ना। ट्रेवल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स स्टार्ट हुआ था 2006 में स्टार्ट हुआ था, हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स के नाम से ये इशू हुआ था। और कंट्रीज़ कहाँ पे फ्रीली जा सकती हैं, कहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ पे नहीं है, इन सब के बेसिस पे वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है बेसिकली
कहां से डेटा कहां से आता है, तो इसका डेटा आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से. ओके, तो डेटा फॉर दिस कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, याद रखिएगा IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से उसका डेटा आता है. और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप किया है वो इस बार है जापान. जापान हैज टॉप्ड द लिस्ट एंड इंडिया जो है वो 85th पोजिशन में है, पाकिस्तान 107th पोजिशन में है, लेकिन जापान ने टॉप किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगिंस टुडे. तो प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, एंड सबसे बड़ा वर्ल्ड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा है कि सबसे बड़ा ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा. नाउ यहाँ पे देखो लिखा है हु शुड नॉट बी वैक्सीनेटेड, हु शुड नॉट बी वैक्सीनेटेड. तो यहाँ पे दोज एज्ड 18 और बिलो, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू COVID-19 वैक्सीन. तो यहाँ पर देख लो बिल्कुल लिखा हुआ है कि कौन कौन वैक्सीनेशन ना ले. इसमें से वो लोग हैं जो कि 18 साल की उम्र या 18 साल से कम के हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को भी नहीं, क्योंकि उनका ट्रायल ही नहीं हुआ, इनके ऊपर ट्रायल ही नहीं किया गया है, इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए. देन पीपल हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू COVID-19 वैक्सीन और वैक्सीन इन जनरल. अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीनों से ही प्रॉब्लम है कि वैक्सीन लगते ही कुछ उनके रिएक्शन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. हु आर परमिटेड तो पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन, दोज विद अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिसीजेस एंड कोमॉर्बिडिटीज, पीपल हु हैव इम्यूनो डेफिशिएंसी और HIV एंड पेशेंट्स ऑन इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स. तो ऐसे लोग जिनको इम्यूनो डेफिशिएंसी या HIV है, या पेशेंट जो कि इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को परमिशन है. दीज आर परमिटेड, ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव है जो कि स्टार्ट होने वाली है ना, एंड इसको याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है. फार्मर्स एंड गवर्नमेंट टू कंटिन्यू टॉक्स. सिंपल सी बात है, आपको पता है ट्रैक्टर परेड होने वाली है. फार्मर्स ने ट्रैक्टर परेड घोषित किया 26 तारीख को. उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट मंडे को डिसीजन देगा इसके प्रति, तो क्या डिसीजन देता है, ठीक है ना. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए. सो यहाँ मूव करते हैं, यू कैन मूव विद मी, है ना. तो वी कम टू द, पहले हम न्यूज आर्टिकल्स डिस्कस, एक ही आर्टिकल, चलो एडिटोरियल एक ही है जिसको डिस्कस करना है, डिस्कस कर लेते हैं. इसका नाम है वैक्सीन ऑप्टिमिज्म एंड द साइंटिफिक अनसर्टेनिटी लिंक. वैक्सीन ऑप्टिमिज्म एंड साइंटिफिक अनसर्टेनिटी लिंक. अब यहां पर क्या है, सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चालू हो गया है. इंडिया ने भी दो वैक्सीन को परमिशन दे दी. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड. कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन का ये मॉडल है, ठीक है ना. एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है उसका मॉडल है कोविशील्ड, जिसको हम बोलते हैं, मेड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है, ठीक है ना, इसको याद रखेगा. फिर दूसरी जो वैक्सीन परमिटेड है वो है कोवैक्सीन. कोवैक्सीन आपकी बनाई किसने, भारत बायोटेक. भारत बायोटेक आपका हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और इसने ICMR के साथ मिलकर के कोवैक्सीन बनाया. दोनों को ही दे दिया गया है, लेकिन भारत बायोटेक का जो था वो Phase 3 का ट्रायल नहीं हुआ था. ये पिछले दो दिनों में मैं आपको 2 से 4 बार बता चुका हूँ, ठीक है ना. नाउ द क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन. ऑथर का कहना है क्लिनिकल ट्रायल्स बिल्कुल चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और ऐसे में इनको परमिशन देना जो है वो WHO की अडैप्टिव एंड सीमलेस अप्रोच के अंदर किया गया है. अडैप्टिव एंड सीमलेस अप्रोच ऑफ WHO. याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये अप्रूवल जो दिया जा रहा है कौन सी अप्रोच बोलते हैं, तो इसको WHO की अडैप्टिव एंड सीमलेस अप्रोच बोलते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वैक्सीन ना होने की वजह से लोगों में इन्फेक्शन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाए. और अगर आपको पता चल गया एक बार कि 70-80% का सक्सेस रेशियो है, तो आप उस वैक्सीन को इनोकुलेट कर लेते हो, ठीक है ना. तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के कामों में फिर WHO कई बार अडैप्टिव एंड सीमलेस अप्रोच भी अपना लेता है. अब ये अडैप्टिव एंड सीमलेस अप्रोच होती क्या है, तो देखो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि देखो ट्रेडिशनल जो क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रोच होती हैं वो तो मैंडेटरी 3-स्टेप प्रोसेस अपनाती हैं. ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल अप्रोच में मैंडेटरी 3-स्टेप प्रोसेस है. लिख लीजिए इसको कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. पहला है डिजाइनिंग, दूसरा है कंडक्टिंग
एंड तीसरा है एनालाइजिंग, मतलब पहले तो आपने एक डिज़ाइन किया, एक आपने वैक्सीन बनाई, दूसरा आपने कंडक्ट स्टार्ट किया, ट्रायल्स कंडक्ट करना शुरू किया और उससे डेटा मिलना आपको मिल जाए शुरू हो जाएगा। तीसरा पार्ट है आपको एनालाइज करना है उस डेटा को, है ना, यू हैव टू एनालाइज द डेटा एज वेल। तो जो ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल्स है उनमें ये तीन स्टेप होते हैं, डिजाइनिंग, कंडक्टिंग द ट्रायल्स एंड एनालाइजिंग द डेटा कलेक्टेड थ्रू द ट्रायल्स। ओके, तो एनालाइजिंग द डेटा। लेकिन जब एडेप्टेशन हम बोल देते हैं, व्हेन वी से दैट इट इज एडेप्टिव अप्रोच, एडेप्टेशन इज रिफर्ड टू चेंज मेड टू द ट्रायल प्रोसेस। जो चेंजेस आप ट्रायल प्रोसेस में करोगे वो आपके एडेप्टेशन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो एडेप्टेशन इज रिफर्ड टू चेंज मेड टू द ट्रायल प्रोसीजर, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने चेंज कर दिया, स्टडी डोज आपने चेंज कर दिया, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन चेंज कर दी, स्टडी एंड पॉइंट्स चेंज कर दिए, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स चेंज कर दिए, रैंडमाइजेशन चेंज कर दिया, स्टडी डिज़ाइन, स्टडी हाइपोथीसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान, ये सारी चीज़ें जब आप इनमें से कोई एक चीज़ या कुछ चीज़ें चेंज करते हो तो वो आपका अडैप्टिव अप्रोच के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। Now these are a priori planned adaptations। देखो क्या होता है कि अगर आप डिजाइनिंग स्टेज में ही कर रहे हो चेंजेस, जैसे डिजाइन स्टेज में आपने पहले कुछ सोचा था लेकिन आपने चेंज करके कुछ और कर दिया, तो ये तो प्रायोरी प्लान्ड हो गया, ठीक है, पहले ही आपने कर दिया, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टडी इटसेल्फ। जैसे आपने डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ तो आपने फिर इसको चेंज करना शुरू कर दिया, है ना। और बाद कुछ अनप्लान्ड भी होते हैं, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो ये तो प्रायोरी प्लान्ड हो गए, ये प्लान्ड वाले हो गए। अब जो अनप्लान्ड होते हैं उनको एडहॉक मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। तो एडाप्टिव टेक्निक के अंतर्गत एक तो प्लान्ड और दूसरे अनप्लान्ड, यानी कि एडहॉक मॉडिफिकेशंस भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेम। आगे अगर हम देखें, नाउ जो बड़ा सवाल है वो ये है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एडाप्टेशन दैट इज एग्रीड टू बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लेवल ऑफ चेंज होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि भैया आदमी एक व्यक्ति मेल में आया और एडाप्टेशन करके आपने उसको फीमेल कर दिया, तो क्या होता है, ये तो आपने पूरा का पूरा उसका फिजियोलॉजिकल, उसका जितना भी चेंजेस थे सब कुछ चेंज कर दिया, है ना। तो इस लेवल का भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो कि एडाप्टेशन किया भाई, तो एक मेल था जिसकी एज हमने पहले 50 वर्ष ली थी, तो हमने दूसरा मेल ले लिया जिसकी एज 30 इयर्स हो गई, ये चेंज है, ठीक है, चलो एज में चेंज है, डिफरेंस है, ठीक है ना। या हमने फीमेल ली जिसकी एज 30 इयर्स थी, तो हमने उसको चेंज करके फीमेल कर दी जिसकी एज 40 इयर्स है, ठीक है ना, तो ये चेंज है, ये एक स्लाइट चेंज हो गया। एक दूसरा चेंज है कि क्या लेवल ऑफ चेंज हो रहा है भाई। आपने ऐसा तो नहीं कि पहले आपने बोला था कि हम ट्रायल करेंगे 50,000 लोगों में, फिर आपने बोला हम ट्रायल करेंगे सिर्फ एक व्यक्ति पे और एक व्यक्ति पे सफल हो गया तो हम बोल देंगे कि 100% रेट है, ऐसा भी नहीं कर सकते ना चेंज आप, है ना। तो रेगुलेटरी एजेंसीज को ये डिसाइड करना जरूरी है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एडाप्टेशन टू विच दे हैव एग्रीड, है ना। व्हाट आर द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर द रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस ऑफ डेटा ऑब्टेंड फ्रॉम द एडाप्टिव ट्रायल्स। और जो एडाप्टिव ट्रायल से डेटा मिलता है उसका रिव्यू कैसे किया जाएगा और उसकी अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है, ये भी एजेंसीज को, जो रेगुलेटरी एजेंसीज है उनको डिसाइड करना जरूरी है। एंड मोस्ट क्रिटिकली, हैज द ट्रायल बिकेम अ टोटली डिफरेंट ट्रायल आफ्टर द मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं कि मॉडिफिकेशन के बाद जो ट्रायल है वो बिल्कुल ही परिवर्तित ट्रायल हो गया, मेल से फीमेल हो गया, है ना, तो ऐसा तो ट्रायल नहीं है। तो दैट इज, दीज आर सम सीरियस क्वेश्चंस विद द रेगुलेटरी बॉडीज हैव टू कीप इन माइंड। और कोई भी कंट्री जब किसी वैक्सीन को अप्रूवल दे तो वो ये चीज़ें देखें कि इनमें अडेप्टेशन का लेवल कितना था और अडेप्टेशन मतलब पहले क्या था, बाद में क्या हुआ और दोनों के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। सो दैट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नाउ ऑथर सेज दैट देयर इज नीड फॉर मोर कॉशन। जैसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है, EMA जिसको बोलते हैं, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, उसने कहा है कि चलो फेज वन के टाइम में तो आप एडाप्टेशन कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, फेज टू और फेज थ्री में जब आप चेंजेस करने लगते हो या फिर, तो वहां पे बहुत कॉशियस अप्रोच आपको अपनानी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन द वैक्सीन इज इन द फेज टू और फेज थ्री। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इज लार्ज, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द फेज थ्री ट्रायल्स। एंड ऐसे में अगर आपने एडाप्टेशन किया और वो कोई चीज गड़बड़ हो गई या कोई चीज ऐसे होगी कि आपने कॉशन नहीं रखा, सो दैट माइट इफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है ना।
So that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding the same. आगे author ने बोला है कि there is a need for imaginative social and behavioral research that takes on board the scientific uncertainties and help to build trust in the health services system. अब author ने कहा है कि एक जरूरत क्या है, जरूरत है social and behavioral research की. अगर आप social और behavioral research करते हो और लोगों से मिलते हो, communicate करते हो, उनको बताते हो, तो उससे trust building और ज़्यादा बढ़ता है. For example, अगर आपको वैक्सीन रोल आउट करनी है तो पहले पब्लिक के बीच में आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या एफर्ट्स लिए गए, कहां कहां ट्रायल्स किए गए, उन ट्रायल्स का रिजल्ट क्या था, और उसके बाद एक चॉइस ऑफ दो, जो कस्टमर है, जो लेने वाला है, जो उसका यूज करेगा, उसको आप एक चॉइस भी दो कि आपके पास एक चॉइस है कि आप इसको ले भी सकते हैं, और आपको ट्रस्ट नहीं बन रहा है तो आप नहीं ले सकते हैं. तो इसका मतलब है जब आप ये चीज बोलते हो ना, तो आदमी का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली और बढ़ने लगता है ना. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट है. तो ये चीजें लैक नहीं करनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि वैक्सीन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर सको. एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन कैन ट्रस्ट यू. अगर एक सिटीजन इन्फॉर्म्ड रहेगा तभी वो आपको ट्रस्ट कर पाएगा. अदरवाइज अगर आप उसको अनसर्टेनिटीज दोगे, अगर आप उसको इस तरीके से मतलब अंधेरे में रखोगे, तो वो आपको कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा इस तरह से, और बिल्कुल भी आपकी बातों में भरोसा भी नहीं कर पाएगा. सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आगे देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट. यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ बोली है कि ऑथराइजेशन एडिक्वेट होना चाहिए, प्रॉपर रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू पास होकर के वैक्सीन आनी चाहिए. अब जैसे कोवैक्सीन में पहले से ही दिमाग में डाउट आने लगा, तो अगर कल को मुझे ही कोई कोवैक्सीन लगा रहा होगा तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा होगा कि यार इस वैक्सीन का तो फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ था, और पता न जाने अंदर जाके क्या होगा. जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप उनको कन्वर्ट करके कहीं चूहा ना बना दे. तो ये सारे डाउट्स हैं एक्चुअली में. जोक्स अपार्ट, दीज आर द डाउट्स विच परसिस्ट इन एवरी इंडिविजुअल्स माइंड. हर व्यक्ति के दिमाग में ये डाउट्स होंगे कहीं ना कहीं कि यार इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका तो ट्रायल ही नहीं हुआ है फेज 3 का, अप्रूवल मिल गया. सो बेसिकली द टास्क इज दैट कि आपको कम्युनिकेट करना है केवल इंटरनल लेवल पे नहीं, कि आपने मिनिस्ट्री लेवल पे आपने फाइल नोट शीट चलाई, आपने वहां पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है, हाँ नोट शीट में पूरे कमेंट्स हैं, कोट्स हैं, लेकिन जनता को अगर आपने कुछ नहीं बताया तो फिर पब्लिक एट लार्ज जो कि इन्वॉल्व है, जो कि एक्चुअली में उस बेनिफिट को लेने वाली है, तो उसको उसका ट्रस्ट आप कैसे लोगे. तो पब्लिक स्क्रूटनी और हेल्दी डिबेट, ये दोनों नेसेसिटी हैं इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर वैक्सीन रोल आउट. दिस वॉज द एडिटोरियल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. काफी बढ़िया एडिटोरियल था, है ना, और मैंने इसको समझाया भी, एक अकेला एडिटोरियल था इसलिए मैंने अच्छे से समझाया. और आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है. चाइना गॉट बिफिटिंग रिप्लाई आर्मी चीफ. आर्मी चीफ का कहना है, आर्मी डे पे आर्मी चीफ का कहना था कि चाइना को हमने अच्छा जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है. और 15 जनवरी था तो आप सबको पता होना चाहिए. एंड जनरल मनोज नरवाने थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली, जैसे कि उन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया कि आर्मी जो है वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रही है, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स में, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में, रोबोटिक्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, एल्गोरिदम वॉरफेयर, इन सारी चीज़ों पर जो है वो आपकी जो आर्मी है वो इन्वेस्ट करती जा रही है. तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जैसे अगर आपको लिखना है कि मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है आर्मी में, कभी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है आर्मी में, ठीक है ना, तो वहां पर आप ये सारे क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एल्गोरिदम वॉरफेयर, ये सारी चीजों का मेंशन कर सकते हो. इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि उन्होंने AI में इन्वेस्ट किया है, रोबोटिक्स में इन्वेस्ट किया है, क्वांटम कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें आप उसको बता सकते हो. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एंड इसके अलावा जैसे इसमें जो टर्म यूज़ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा और डिटेल दे देता हूँ. एक टेक्नोलॉजी का नाम आया है स्वार्म टेक्नोलॉजी, SWARM, ठीक है ना. अब अगर आपको स्वार्म टेक्नोलॉजी नहीं पता तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी. इट्स अ ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एन इंडियन स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज. न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने इसको स्टार्ट किया है. न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, याद रखिएगा, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, याद रखिएगा, इसने इसको स्टार्ट किया है. द आर्मी इज इन्वेस्टिंग हैवली इनटू AI, ये मैंने आपको बता दिया. एल्गोरिदम वॉरफेयर क्या होता है, थोड़ा एल्गोरिदम वॉरफेयर आप लिख लीजिए. एल्गोरिदम वॉरफेयर जो होता है उसका मतलब होता है कि इट इज ड्रिवन बाय ऑटोनॉमस सिस्टम्स,
पावर्ड बाय AI, तो ऐसा वॉरफेयर जो कि ऑटोनॉमस सिस्टम्स के द्वारा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लड़ा जाए, वो वॉरफेयर आपका एल्गोरिथम वॉरफेयर कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रूल्स रहेंगे वो कंप्यूटर और मशीन्स के रूल रहेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के रूल्स रहेंगे, सुपर कंप्यूटर्स के रूल्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम के अंतर्गत आता है, AI सिस्टम के अंतर्गत आता है अल्गोरिदम वॉरफेयर, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यू कैन मूव विद मी एंड नेपाल रेजेस द काला पानी बाउंड्री इशू विद इंडिया। तो नेपाल ने काला पानी बाउंड्री इशू रेज किया है। प्रदीप ग्यावाली जो थे एक्शन रेफरेंस मिनिस्टर वहाँ से आए थे इंडिया में, है ना, और उन्होंने काला पानी डिस्प्यूट किया। तो काला पानी डिस्प्यूट आपको पता होना चाहिए, काला पानी डिस्प्यूट क्या है, ठीक है। काली रिवर है, काली रिवर के एक्चुअली काली रिवर का ओरिजिन अगर आपको पता चल जाएगा तो काला पानी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। तो काली रिवर के ओरिजिन पर पूरा इशू है। नेपाल का बोलना है, नेपाल का कहना यह है कि काली रिवर का ओरिजिन है जो वो आपका लिम्पियाधुरा में है, लिम्पियाधुरा में है, ठीक है ना। और इंडिया का कहना है कि काली रिवर का जो ओरिजिन है वो काला पानी पे है। तो ट्रीटी ये हुई थी कि काली रिवर के जितनी भी टेरिटरीज ईस्ट में हैं वो नेपाल की हैं और जितनी भी टेरिटरी वेस्ट में है वो इंडिया में है, ठीक है ना, इंडिया के पास है। तो अगर काला पानी ही ओरिजिन है तो काला पानी तो उसके वेस्ट में आ जाएगा, तो इंडिया में आ जाएगा। बट अगर वो लिम्पियाधुरा में कर रहे हैं तो फिर वो उधर आ जाए, मतलब आपका ईस्ट में आ रहा है। इस कारण से पूरा जो इश्यू है वो कहना चाहिए काली रिवर के डिस्प्यूट पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेपाल ने कुछ चीज़ें और बताई, जैसे कि वी स्टार्टेड द डिमार्केशन एंड मैपिंग ऑफ द बाउंड्री सिंस 1981। नेपाल ने बताया कि 1981 में उन्होंने डिमार्केशन और मैपिंग का काम शुरू किया। एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी जो कि 2007 तक काम कर रही थी। उसने 182 स्ट्राइप्स मैप बनाया बॉर्डर डिपिक्ट करने, लेकिन दो रीजन्स के मैप नहीं उनको डिपिक्ट कर पाए, सुस्ता और काला पानी। ये याद रखिएगा, दो जो रीजन है मेजर डिस्प्यूट के इंडिया और आपके नेपाल के बीच में, तो वो है सुस्ता और काला पानी। तो सुस्ता और काला पानी वर नॉट इंक्लूडेड एंड दे वर नॉट कंप्लीटेड, तो इनका डिमार्केशन नहीं कंप्लीट हो पाया। तो दैट इज़ द रिक्वेस्ट मेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड उन्होंने कहा है कि ये सुस्ता और काला पानी का डिमार्केशन भी इंपॉर्टेंट है। काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा रीजन जो है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज सॉवरेन टेरिटरी। इंडिया का अगर अगर देखो जाए, इंडिया का भी स्टैंड यही है कि काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा जो है हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। काला पानी लिपुलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख तो पास भी है हमारे यहाँ, है ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और नेपाल का कहना है कि ये उनकी टेरिटरी का पार्ट है। उसने उन्होंने मैप में भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो रिसेंटली मैप भी बनाया था। और दोनों कंट्रीज़ ने यह भी कहा है कि जो 1950 की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, एंड देर विल बी अ रिव्यू ऑफ दिस पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950। याद रखिएगा, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो इंडिया और नेपाल के बीच की है वो कब हुई थी, 1950 में, यानी कि 1950 में हुई थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, बिडेन अनवील्स $1.9 trillion रिलीफ पैकेज। अब देखो, $1.9 trillion रिलीफ पैकेज जो बाइडेन ने अनवील किया है फॉर अमेरिका, अ क्राइसिस बिकॉज क्रिएटेड बाय पैंडेमिक COVID-19। COVID-19 के क्राइसिस जो क्रिएट हुई उसको सॉल्व करने के लिए $1.9 trillion की इन्होंने पैकेज कही है, एंड दे हैव कॉल्ड द अमेरिकन रेस्क्यू प्लान। इसको कहा जा रहा है अमेरिकन रेस्क्यू प्लान बोला जा रहा है, अमेरिकन रेस्क्यू प्लान कहा जा रहा है। द प्रपोजल वुड मीट मिस्टर बिडेन्स गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग 100 million वैक्सीन बाय 100th डे ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ने कहा कि 100 million वैक्सीन विल बी देयर बाय 100th डे ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवांस हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ रीओपनिंग मोस्ट स्कूल्स बाय द स्प्रिंग। तो वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिए हैं, लेकिन $1.9 trillion जो है, इट्स अ बिग अमाउंट विच विल बी इन्वेस्टेड देयर फॉर द बेनिफिट ऑफ द अमेरिकन एंड ऑल, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, ट्रेड विद चाइना श्रैंक इन 2020, डेफिसिट एट अ 5-year low। तो हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ वो काफ़ी कम हो गया है, एंड इट हैज़ बीन इन द लोएस्ट लेवल सिंस 2017 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल्स में आ गया है हमारा ट्रेड डेफिसिट। देखो, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, देखो एक होता है आप एक्सपोर्ट करते हो, यू एक्सपोर्ट समथिंग, ठीक है ना, और यू इम्पोर्ट समथिंग। आप कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो, कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करते हो। ट्रेड जो होता है उसके अंदर दोनों ही आते हैं, एक्सपोर्ट भी आता है, इम्पोर्ट भी आता है, ट्रेड के अंदर का दोनों ही आता है, ठीक है ना। तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है,
एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट। अगर किसी कंट्री में आप भेज ज़्यादा चीज़ें रहें और ले कम चीज़ें रहें तो ये आपका ट्रेड सरप्लस कहलाएगा। दिस विल बी योर ट्रेड सरप्लस, यू विल बी एट अ ट्रेड सरप्लस विद रिस्पेक्ट टू दैट कंट्री। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट कम है, इफ़ योर एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट ऑफ दैट कंट्री, देन दैट इज नोन एज द ट्रेड डेफिसिट। तो हम चाइना से इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और हम उनको एक्सपोर्ट कम चीज़ें करते हैं, तो हम हमारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वह भी क्या हो गया है कि हमारा इम्पोर्ट जो है वो कम हुआ है और एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा है। एक्सपोर्ट हमारा 20.86 बिलियन डॉलर पे है और हमारा जो इम्पोर्ट है वो 66.7 बिलियन। तो हमारा इम्पोर्ट अब 66.7 बिलियन डॉलर बचा और आपका हमारा एक्सपोर्ट बचा 20 बिलियन डॉलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 66 - 20 वाला 46 बिलियन डॉलर का हमारा बचा, 46 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट बचा। पहले ये 70 से ऊपर था, 70 बिलियन डॉलर से ऊपर था। तो इसका मतलब है कि 5 सालों में सबसे कम हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है। आर्मी इंक्स 20 मिलियन डॉलर डील विद आइडिया फोर्ज फॉर यूएवी। तो इंडियन आर्मी ने साइन की है 20 मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट विद आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज क्या है, इट इज़ अ प्लेयर इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी टू प्रोक्योर अनडिस्क्लोज्ड क्वांटिटीज ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेरियंट ऑफ स्विच यूएवी। तो स्विच यूएवी के वेरियंट, स्विच यूएवी क्या है, एक इंडिजनस सिस्टम है यूज फॉर सर्विलांस ऑपरेशन। स्विच यूएवी इज एन इंडियन इंडिजनस सिस्टम यूज इन सर्विलांस ऑपरेशन। तो इंडिजनस सिस्टम है जो कि सर्विलांस ऑपरेशन में यूज होता है, स्विच यूएवी कहते हैं इसको। और 20 मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है आइडिया फोर्ज के साथ आर्मी का कि वो अनमैंड एरियल व्हीकल जो है वो प्रोवाइड करें High altitude variants of the Switch UAV, high altitude variant. Switch UAV जो है वो indigenous system है which is built to cater the most demanding surveillance systems of the Indian forces. तो Indian forces के surveillance system को करने के लिए ये लाया गया, ठीक है ना। तो I hope you got clarity regarding the same, आपको समझ में आ गया होगा। आइडिया फोर्ज हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस वन ईयर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द आफ्टर इट क्वालिफाइड फॉर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में ये क्वालिफाई कर गया तब ये इसको आइडिया फोर्ज को ये दिया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।